अब विधायक विशेष रवि की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे संवाददाता ने विशेष रवि से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। के लिए एक के बाद एक बड़े बदलाव करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित एमसीबी लगातार शिक्षा को लेकर बेहद गिरते हुए स्तर पर जा रही है। ताज़ा मामला करोलबाग से जुड़े एक स्कूल का है, जहां पर एक 60 साल पुराने स्कूल को बंद किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोलबाग के विधायक विशेष रवि जी। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी 2 महीने से हमने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने हमारे क्षेत्र के 2 ऐसे मामले उठाए जिसमें एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने एक पहली बारी अजमलखा रोड पे एक स्कूल को बंद किया जहां वो पार्किंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं। दूसरा, पूसा रोड पे एक स्कूल को 2 हिस्सों में बांट कर आधी जगह को पार्किंग के लिए बेच दी उस ज़मीन को। अब तीसरा जो नया मामला है वो टैंक रोड का है। टैंक रोड पे आनंदपुरी खान का एक इलाका है, वहाँ लगभग 60 साल से एक प्राथमिक विद्यालय नगर निगम का चल रहा था और कल जब सुबह बच्चे वहाँ पहुँचे स्कूल के अंदर तो उनको अचानक ये कहा गया कि ये स्कूल बंद हो रहा है, आप यहाँ अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, अब आपको वहाँ जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। इलेक्शन भी नज़दीक है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद अब काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्कूल खुले हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, क्या उस पर बुरी तरह से पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो इलाका है वो घनी आबादी का इलाका है, यहाँ आसपास कोई और स्कूल नहीं है, सिर्फ एकमात्र यही प्राथमिक विद्यालय था और आसपास इस स्कूल के जो आबादी है वो 100% गरीब और दलित परिवार के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। तो अगर स्कूल ये बंद होगा, इस तरह स्कूल बंद कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि गरीब और दलित परिवार के बच्चे वो शिक्षा ना ले पाएँ। तो इसका हम विरोध करते हैं और हमने एलडी साहब को पत्र लिखा है आज ही और उनसे ये कि वो इसका संज्ञान लें। एक के बाद एक एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित एमसीडी जो है स्कूल बंद कर रही है, अगर सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ने का जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक विशेष रवि जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से और उसका जवाब वो आने वाले चुनाव में देगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ आसिफ बॉबी, जनता न्यूज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।